Hello, welcome to our channel Kidney Treatment in Ayurveda. Before we proceed, please subscribe our channel and press the bell icon to get all the latest updates. Namaskar, main hu Anand Pandey, swagat karta hu Karma Ayurveda ke YouTube channel mein. To dosto, aaj hum aapko batayenge ki aap kaise naturally creatinine level ko kam kar sakte hain. Creatinine blood chemical waste product hai. Jab aap apni muscles ka use karte hain, to aapka blood stream क्रिएटिनिन को किडनी तक पहुंचाता है, जहां आपकी बॉडी यूरिन को बाहर निकालती है। लेकिन अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आपके ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे आपको यूरेमिया हो सकता है। क्या आपको मालूम है, आपकी बॉडी को ठीक से काम करने के लिए पूरे ब्लड की जरूरत होती है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे नेचुरल ऑप्शंस बताएंगे, जिससे आप अपना क्रिएटिनिन लेवल कम कर सकते हैं। जिसमें पहला ऑप्शन है, हाई वेट एक्सरसाइज से आपको बचना चाहिए। एक्सरसाइज वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा हाई वेट एक्सरसाइज से आपका क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि मसल मेटाबॉलिज्म ही क्रिएटिनिन को बनाती है और मसल पर ज्यादा प्रेशर इसके लेवल को इंक्रीज कर सकता है। इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कितनी और कैसी एक्सरसाइज की जाए, जिससे आपका क्रिएटिनिन लेवल ना बढ़े। दूसरा है, क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज बिल्कुल भी ना करें। क्रिएटिन आपके किडनी में नेचुरल कंपाउंड है, यह आपके मसल में होता है और इसका यूज आप एनर्जी में करते हैं। लेकिन अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट का यूज कर रहे हैं, तो ये आपके मसल में वेस्ट मटेरियल को पहुंचा देता है। इसीलिए अगर आप अपने क्रिएटिनिन को कम करना चाहते हैं, तो क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से बचें। वहीं आपको प्रोटीन के सेवन को भी कम करना चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक ज्यादा प्रोटीन के सेवन से आपका क्रिएटिनिन लेवल टेम्पररी बेस पर इंक्रीज हो सकता है। कुक्ड रेड मीट आपके क्रिएटिनिन पर इंपैक्ट डालता है, क्योंकि कुक्ड रेड मीट में क्रिएटिनिन होता है, जो क्रिएटिनिन को बनाता है। इसीलिए अगर आपको अपना क्रिएटिनिन लेवल को कम करना है, तो आप ज्यादा प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ज्यादा रेड मीट खाते हैं, तो आपको इसका सेवन छोड़ वेजिटेबल्स का सेवन इंक्रीज शुरू कर देना चाहिए। आप बीफ बर्गर की जगह पर वेजिटेबल पैटीज, हार्टी वेजिटेबल स्ट्यू और लेंटिन सूप का सेवन कर सकते हैं। वहीं चौथा ऑप्शन है, फाइबर का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। एक रिसर्च में ये साबित किया गया है कि जो लोग क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, अगर वो फाइबर का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनका क्रिएटिनिन कम हो जाता है। फाइबर कई फूड प्रोडक्ट में मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड बीन्स। पांचवा है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपको कितनी क्वांटिटी में लिक्विड का सेवन करना चाहिए। डिहाइड्रेशन आपके क्रिएटिनिन लेवल को बढ़ा सकता है। ऐसे पेशेंट्स को डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, जिन्हें किसी भी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है। इसीलिए ऐसे पेशेंट्स लिक्विड का सेवन भी डॉक्टर की निगरानी में ही करें। छठा ऑप्शन है, काइटोसन सप्लीमेंट्स का सेवन करें। काइटोसन एक डाइट्री सप्लीमेंट है, जिसका यूज लोग वेट लूज करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए करते हैं। कुछ रिसर्च में ये मिलता है कि किडनी फेलियर की प्रॉब्लम में क्रिएटिनिन लेवल को कम करने के लिए काइटोसन सप्लीमेंट्स भी यूजफुल होता है। लेकिन काइटोसन सप्लीमेंट्स का यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लेनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि इसका सेवन कैसे और कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है कि सेल्विया का सेवन जरूर करें। चाइना में लोग किडनी फेलियर में सेल्विया का यूज करते हैं, और कुछ रिसर्च में ये भी माना गया है कि इसे क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि आप इसका सेवन डॉक्टर की निगरानी में ही करें। और हम आपको कुछ और जड़ी बूटी बता रहे हैं, जिसका यूज आपको डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए, जैसे कि नेटल लीफ, सिनेमोन, जेंसिंग एंड डेंडेलियन रूट। तो दर्शकों, ये थी क्रिएटिनिन लेवल को नेचुरली हम कैसे कम कर सकते हैं से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां। अगर आप या आपका अपना कोई इस बीमारी से जूझ रहा है, तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा के किडनी केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा के किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर आप भी सेफ साइड पर आना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल
और खाने की हैबिट्स में कुछ चेंजेस लाने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। साथ ही कर्मा आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करें। आप हमें दिए जा रहे नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स भेज सकते हैं और हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या फिर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारे ऑफिस डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM1 नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली। स्टॉप किडनी डायलिसिस।